नमस्कार, बिज तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं वरुण अवस्थी। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, आईटीआर कैसे फाइल करना है स्टेप वाइज स्टेप, ये आपको बताएंगे हम। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ बिज तक पे मिलेगी। मेरे साथ सीए मौजूद है यहां पर, जो आपको स्टेप वाइज स्टेप आईटीआर कैसे फाइल करना है ये बताएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे नीरज सिंह मौजूद हैं, जो एक वेल नोन सीए हैं और ये खास हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आईटीआर अगर आपको खुद फाइल करनी है तो कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। सर, आज जो हम आईटीआर लेने वाले हैं वो आईटीआर 1 लेने वाले हैं। आईटीआर 1 से किसको फायदा मिलता है? आईटीआर 1 उन लोगों के लिए अप्लीकेबल है जिनकी इनकम जो सैलरीड है, जिनकी इंटरेस्ट की इनकम है और उनकी उनकी केवल एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपए से नीचे है, उनके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। आईटीआर 1 उनके लिए एप्लीकेबल है जो सैलरीड है, एक हाउस से उनकी इनकम होती है, रेंटेड इनकम हो सकती है और एक या फिर उनकी एग्रीकल्चर इनकम हो 5000 से नीचे हो। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आईटीआर फाइल करनी है अपने आप, तो इससे बढ़िया वीडियो देखने के लिए उसको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना है सिर्फ आपके लिए। बिज तक पे आईटीआर कैसे फाइल करनी है अपने आप, बने रहिए हमारे साथ। रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट का एड्रेस क्या है। इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in। इस पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करना काफ़ी आसान है, ये 2-4 क्लिक पे ही रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके लिए एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए और अगर आपके पास आईडी है तो आप इस पर सीधा लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको स्क्रीन पे ही बिल्कुल सामने ये जो दिख रहा है, ये फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ आपको आपका पैन नंबर दिख जाएगा। आपको असेसमेंट ईयर 2019-20 सेलेक्ट करना है और आईटीआर फॉर्म 1 सेलेक्ट करना है। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करनी है। सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करते ही आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल दिख जाएगी, जिसमें से जो प्रीविलेटेड है वो सबसे ऊपर डाला होता है। आपको जो भी मेन अकाउंट अपने रिफंड के लिए अगर रखना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करते ही आपको ये सामने जो चेकबॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। और इसका पार्ट ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो प्रीफिल आ रहा है, आजकल इस साल से ही शुरू हुआ है, ये बिल्कुल प्रीफिल रहता है। इसके अंदर नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनको छोड़ के आप बाकी सब कुछ एडिट कर सकते हैं, जैसे आधार नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आना होता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। आप यहाँ सेलेक्ट करिए कि आपने किस जगह काम करी है, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, आप पेंशनर हैं, अदर्स हैं, उसको सेलेक्ट करके आप उस हिसाब से फिर आप प्रीव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपका अगला पेज है वो कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स है, जो आप देखेंगे कि ऑलरेडी वो प्रीफिल्ड है। बट अगर इसके अंदर कोई भी फिगर में बदलाव करना हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि आप अपने फॉर्म से लोग अपने हाथ में रख लें, और अगर आपको लगता है कुछ फिगर में कोई बदलाव है तो आप डाल सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों का रिटर्न फाइल करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपकी सैलरी 17-1 में आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट मिला हुआ है वो 17-2 में आएगा। ठीक, किसी तरीके का कोई डिडक्शन है तो वो सेक्शन 10-13A अलाउंस के अंदर आ जाएगा, जिसको आप एक एक करके सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको अपनी ATC की डिटेल डालनी होती है। ATC के अंदर जो चीज़ें हैं वो हैं LIC, किसी भी तरीके का इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF के अंदर डिपॉजिट, किसी भी तरीके का ट्यूशन फी, अगर आपने बच्चों के लिए ट्यूशन फी दिया है तो ट्यूशन फी, इन चीज़ों को मिलाकर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख की होती है। अगर आपने 1.5 लाख से ज़्यादा भी सेव किया हुआ है तो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख का ही आएगा। उसके बाद 80D उसके अलावा एडिशनल है, जहाँ अगर आपने अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा हुआ है तो आप उसका 25,000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने किसी तरीके का डोनेशन दिया हुआ है तो आप ATG के अंदर ले सकते हैं। आप ये करते ही आप खुद भी देखेंगे कि ये टैक्स पेबल आ गया, बट अगर आपने किसी भी तरीके से किसी अमाउंट में बदलाव किया होगा, जैसे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये फिगर केवल वही
इसके अंदर प्रीफिल्ड होती है जिसपे बैंक ने TDS काटा हो या बैंक ने 26AS में दिखाया हो। अगर आपके पास इसके अलावा एडिशनल कोई इनकम है जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग या इंटरेस्ट और FD, तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, यानी अगर पिछले साल में अगर आपका कोई रिफंड आया है और उस पर आपको कोई इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है तो आप वो फिगर इस कॉलम में डालेंगे। ये डालते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ टैक्स वाले में अपने आप बदलाव हो जाएगा और इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपका जो अगला स्टेप होगा वो टैक्स डिटेल है। आप टैक्स डिटेल के अंदर यहाँ पे ये फिगर मैच कर सकते हैं कि आपका TDS बिल्कुल सही है या नहीं। रिटर्न फाइल करते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका ये TDS फिगर मिसमैच हो रहा है तो आप कंसर्न्ड एम्प्लायर या बैंक को एक बार अप्रोच करें और इसको ठीक कराएं। रिटर्न तभी फाइल करें जब ये प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक हो, और अगर ये ठीक है तो आप वापस इसको सेव करके आप इससे आगे जा सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो ये टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का कॉलम है जहाँ ये सारा फिगर आ जाएगा कि आपने कितना TDS क्लेम किया हुआ है, क्या आपका टैक्स बनता है, कोई अमाउंट पेएबल है या रिफंडेबल है। अगर रिफंडेबल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और पेएबल है तो आपको पहले टैक्स जमा करना पड़ेगा। जो आप D13 कॉलम में देख रहे होंगे कि यहाँ ई पे टैक्स लिखा हुआ है। टैक्स पे करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर दें या आप चालान जनरेट करके बैंक में जमा करा दें। ये करने के बाद आप अपने नाम, फादर नेम और बाकी वेरिफिकेशन आप एक बार चेक करते हुए रिटर्न कैपेसिटी अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप इसको सेव करें, जिस जगह से भर रहे हैं उस जगह का नाम लिखें और उसके बाद फिर इसको सेव करके आगे बढ़ जाएं। फिर हमारा अगला कॉलम होता है ATG के अंदर आप वो फिगर लिख सकते हैं जो अगर आपने किसी भी ट्रस्ट या NGO या सरकारी संस्थाओं को अगर डोनेशन दिया हो तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कुछ डोनेशन 100% के अंदर आते हैं, कुछ डोनेशन 50% के अंदर आते हैं। तो जो जिस तरीके का क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर आता है आप उसके हिसाब से फिल करके फिर आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारा सबसे आखिरी कॉलम जो होता है ये सारा फिल करने के बाद वो होता है सबमिट करने का। आप प्रीव्यू एंड सबमिट करने के बाद आप अपनी चीज़ों को चेक कर लें, सब कुछ बिल्कुल सही हो तो आप सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद आपकी रिटर्न फाइल हो गई। रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उसको ई वेरीफाई करना होता है। उसके दो तीन तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका है कि आप अपने आधार नंबर पे OTP मंगा के आप उसको सबमिट कर दें। दूसरा तरीका है कि आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो अपने बैंक में लॉगिन करके वहां से सबमिट कर दें। तीसरा तरीका है कि अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप उसके थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे फाइल करनी है ITR आपको। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीरज सर हमारे साथ हमारे रिक्वेस्ट पे आपके लिए शनिवार को शाम 5 बजे से 6 बजे तक लाइव यहां पर मौजूद रहेंगे। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, नीरज सर से पूछ सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो भूलिएगा मत, शनिवार को 5 से 6 के बीच आपको बिज तक के साथ बने रहना होगा। नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शनिवार को हम आपसे जरूर मिलेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। बिज तक देखने के लिए धन्यवाद।